नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां आधी रात को बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहाँ धूमधाम के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां जियनपुर सगड़ी के प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी 69 आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव नरहुआ के समर्थन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंद्रेश चौहान के नेतृत्व में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रेम भूषण सिंह, मंत्री पिछड़ा मोर्चा जयपाल चौहान, मंडल अध्यक्ष परमहंस चौहान, मंडल अध्यक्ष उपेंद्र चौहान, मंडल अध्यक्ष छोटेलाल सहानी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी चौहान आदि मौजूद रहे। कितना बड़ा काम है ये, जो इज्जत घर जिसको नाम दिया है मोदी जी ने, जो शौचालय हम लोग कहते हैं, इज्जत घर को मामूली समझते हैं। आज से 25-30 साल पहले हम लोग भी थे, आज इसी कटिया कटिया के जमाने में अगर दिल में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या जरूरत होती थी आदमी की, महिलाओं को मत पूछिए। मैं तो तहे दिल से मोदी जी को और यहाँ हमारी माताएं रहने के तरीके को तारीफ करती है, उनको बधाई देती है कि आज हर घर के सामने इज्जत घर तैयार हो गया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। यूपी के जनपद मुरादाबाद में बिजली विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली के ट्रांसफार्मर को पेड़ के नीचे रखा हुआ है, जिसमें जब भी कभी किन्हीं कारणों से आग लग सकती है तो वह पेड़ होने के कारण विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही हुआ गुरुवार की रात में 4 बजे के समय, जहां ट्रांसफार्मर में किन्हीं कारणों से गलशही चौराहे में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि ट्रांसफार्मर के थोड़ी दूरी पर ही खड़ी इको कार भी उसकी चपेट में आ गई और पूरी कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद से कार स्वामी गहरे सदमे में है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट।
पाकुड़ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शहर के रेलवे कॉलोनी के सिद्धार्थ नगर में स्थापित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा समेत भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय समेत दर्जनों लोगों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वे अहिंसा के देश को जन जन तक पहुंचाया। उनके विचार आज भी समाज के सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया था। आज उन्हें याद करते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान सिद्धार्थ किया जन्मदिन के अवसर पर आज पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर में हम लोगों ने भगवान बुद्ध के आदमकद प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। भगवान बुद्ध हमारे शांति के प्रतीक हैं और उन्होंने शांति का संदेश दिया था। आज के इस अवसर पर हमारे सभी प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल के सम्मुख सत्यानंद अस्पताल के डॉक्टर गौरव व उनके स्टाफ पर मरीज व उनके परिजनों को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। बता दें कि तीमारदार इलाज कराने आए थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया और डॉक्टर सहित अज्ञात 15 लोगों ने धारदार हथियार, कैंची, लोहे के पाइप और लाठी डंडों से पीड़ित मसूद व उनके भाई साकिब शारिक को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जहां पीड़िता मसूद ने कोतवाली जाकर प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। वहीं कोतवाल राजीव तोमर ने घायल लोगों को डॉक्टरी परीक्षण कराने हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया है। मेडिकल के आधार पर कार्यवाही करने की बात कही है। जी, क्या नाम है आपका? मसूद खान। गांव कौन सा? गांव बरेंडा, थाना काट, जिला शाहजहांपुर। जी बताएं, क्या मामला? हमारे छोटे भाई के हाथ में चोट लग गई थी, उसको हम लेके आए दिखाने के लिए सत्यानंद में। वहां डॉक्टर गौरव ने उसको देखा, हमने पर्चा बनवाया, 1000 रुपये काउंटर पे जमा कर दिए। उन्होंने ओटी में भेजा कि आप ओटी में चलिए। ओटी में हम गए तो वहां एक स्टाफ वाला था, बोले तू साले यहां अंदर कैसे आ गया? तो हमने कहा सर हमें अंदर जाने दीजिए, आप फिक्र ना करें। वो तू क्या डीएम है साले? वो हमसे गालियाँ बकने लगे। इतने में डॉक्टर गौरव आ गए। डॉक्टर गौरव ने कहा क्या है? तो क्या ये साला डीएम बन गया है? क्या मारो साले को, बाहर ना जाने देना, जान से मार दो। करीब 20 से 25 लोग, पूरा स्टाफ। किसी के हाथ में कैंची थी, किसी के हाथ में बोतल चढ़ाने वाला पाइप था, किसी के हाथ में डंडे थे। इन्होंने सब ने हमें सर रपटा रपटा के बाहर कृष्णा अस्पताल तक मारा है। हमारी चप्पलें वहीं सब छूट गई। जी आप भी मौके पे थे, तो क्या मामला हुआ? मेरे हाथ में चोट लगी थी, दिखाने गए थे तो भैया ने दिखाया। वहाँ पे ओटी में गए, ओटी में जाने के बाद एक गुलाबी कलर के शर्ट पहने थे, वो भैया से डायरेक्ट बोले कि तू अंदर कैसे आया? तू तो डीएमएम है, अंदर गुस्सा चलाया, किससे परमिशन ली तूने अंदर आने की? तो भैया ने बोला भैया कोई आपका स्टाफ नहीं था, हम इसलिए साथ लेके आए। अब आपसे तो बोला चल निकल बाहर, माँ की गाली थी, डायरेक्ट धक्का दिया। और जब तक पीछे से गौरव, डॉक्टर गौरव आ गए, 2 नर्सें थी वहाँ पे, वो आई और लगभग 20-25 लोग आ गए। उन्होंने कहा ये जो बाहर ना जाने पाए इनको सबको यहीं मारो, जान से मार डालो। तो एक ने मेरे भाई के कैंची मारी सर में, लोहे के रॉड थी, इतने बड़े बड़े लोहे के कुछ थे, और जिससे ड्रिप लगती है बोतल उससे हमला करा। पीवीसी के पाइप, लाठी डंडे वगैरह काफ़ी थे, उन्हीं ने कृष्णा हॉस्पिटल तक भगा के मारा। तो कहाँ कहाँ पे चोट है आपके? सर में चोट है मेरे, यहाँ पे है, ये हाथ में है, ये गाल पे है, ये है, ये भैया का सर में है। आपके कहाँ पे चोट लगी? सर में कितनी चोट आई है? सर में हमारे काफी चोट है, करीब 6 अंदर की हड्डी, डॉक्टर बोल रहे हैं वो। आपके कहाँ पे चोट है? क्या नाम है आपका? शारिक। आप भी मौके पे थे? हम मौके पे थे, ये चोट है लगी है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।